भी काम करने की ताकत। ताकत को इंग्लिश में कहता है पा, या तो इसको ब्रिटिश इंग्लिश में बोले पावर, बट इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ पावर टू स्पीक दैट, सो इट्स बेटर टू से इन अमेरिकन पा। सो अगर किसी भी काम को करने की पा अगर आपके पास है तो आप हमेशा बोलते हैं आई कैन। दिस इज टेबल, को उठाने की मेरी ताकत है तो आई कैन लिफ्ट द टेबल। मेरी ताकत है कार को खरीदने की, मेरा पैसा है तो वह है आई कैन बाय अ कार, आई कैन स्विम इन अ रिवर। तो ये ताकत है मेरी। अक्सर लोग हिम्मत में और ताकत में कंफ्यूज्ड होते हैं। हिम्मत को इंग्लिश में कहा था डेयर। अच्छा, जिसके अंदर हिम्मत होती है ऐसे व्यक्ति को इंग्लिश में कहा था डेयरिंग, या वो व्यक्ति होता है गट्सी। गट्स है जिसके पास, GUTSY, गट्सी। और जो जो कायर है वो है कॉवर्ड। हालांकि जो लोग सुइसाइड कमिट करते हैं उन लोगों को लोग कॉवर्ड करते हैं, तो इट इज नॉट एन इजी टास्क, बट स्टिल पीपल कॉल देम कॉवर्ड। सो अगर जो भी व्यक्ति हिम्मती है तो या तो वो है डेयरिंग या वो है गट्सी। नाउ द डिफरेंस, डिफरेंस है, आपने बहुत सारे कॉलेजेस के प्रेसिडेंट्स को देखा होगा, दिखने में दे आर सो थिन, आपको लगता होगा ये क्या कॉलेज का इलेक्शन फाइट करेगा। हो सकता है उस व्यक्ति के अंदर वो ताकत ना हो, ही मे नॉट हैव दैट पा, पर उसके अंदर एक अच्छी चीज है, वो है डेयर, हिम्मत। सो अगर किसी भी काम को करने की ताकत जब आप किसी को बताते हैं तो आप हमेशा बोलते हैं आई कैन, और उसके बाद वो वर्ब, वो एक्शन लगा देते हैं जो भी काम करने की आप ताकत बताते हैं। और जब मैं किसी भी काम को करने की हिम्मत लोगों को बताऊंगा तो आई डेयर के बाद टू लगाकर वो एक्शन बता दीजिए या वो बता दीजिए, जो भी काम करने की आप हिम्मत लोगों को बता रहे हैं, जिसके लिए आप ये बोलते हैं कि मेरे अंदर हिम्मत है इस काम को करने की। अब वो हिम्मत आपकी कैसी है तो आप इसको और थोड़ा सा हम लोग क्लियरली समझते हैं। जैसे आप माउंटेनियरिंग करने जाते हैं, अगर मान लीजिए आपके शरीर में फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपको लगता है कि फिजिकली यू आर अनफिट, तो आप यही बोलेंगे आई कैनॉट डू इट, आई कैनॉट डू इट, बट यू आर नॉट फिजिकली अनफिट, यू आर ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट, मतलब फिजिकली तो आप कर सकते हैं पर आपकी हिम्मत नहीं है। अब ये हिम्मत कैसे क्रिएट होती है और क्यों नहीं क्रिएट होती है? आई डू रिमेंबर वंस आई वॉज गोइंग टू अलवर बाय अ ट्रेन, एंड the station was about to be there, I was going to reach the station. जैसे स्टेशन पहुंचने वाले थे, प्लेटफॉर्म आया, प्लेटफॉर्म एंटर करते ही एक व्यक्ति उस पर जंप कर गया। He jumped from a running train and he fell down. He fell down. Now, whenever I travel by trains or a train, and somebody asks me to jump from a running train, I do not dare to jump from a running train. Please understand, I can jump from a running train. Taakat hai mere paas, pa hai mere paas. Himmat nahi hai us kaam ko karne ki. Himmat kyun nahi hai? Because I saw a person fall down. So now, wo himmat nahi hai. I do not dare to jump from a running train. Kabristan, graveyard. Meri himmat hai, I dare to go to graveyard at night, alone. See, I can or I dare to. Ab aapko ye dekhna hoga. Can to hai, taakat to hai, paar to hai, par himmat nahi hai. Then you always say, I do not dare to go to graveyard at night alone. Why? Because himmat nahi hai. So, हिम्मत और ताकत में डिफरेंस होता है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस सेंटेंसेस। व्हेनेवर यू स्पीक बिफोर पीपल आई कैन, कि ताकत है, कि ताकत है चार प्रकार की होती है, मनी पा, बॉडी पा, माइंड पा एंड टाइम पा। और जब भी अभी ताकत बताएंगे आई कैन, पूछेंगे कैन यू, मना करेंगे आई कैन नॉट, और उसके बाद वो एक्शन लगा देते हैं, वर्ब लगा देते हैं जो भी काम करने की आपकी ताकत है, पा है। जैसे अगर मेरी ताकत है नदी में तैरने की, आई कैन स्विम इन अ रिवर। मेरी ताकत है कार खरीदने की, आई कैन बाय अ कार। मेरी ताकत है आज मेरे पास समय है तो आई कैन अटेंड अ पार्टी टुनाइट। तो ताकत है, इसमें डेयर का कोई लेना नहीं है। कई चीजों में आपको
पाक की भी जरूरत पड़ेगी और डेयर की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपको फिर दोनों अलग अलग सेंटेंस में बोलने पड़ेंगे, मिलाकर नहीं बोल सकते, आई कैन एंड आई डेयर टू। सो व्हेन यू से टू पीपल कि मेरी हिम्मत है किसी भी काम को करने की, जैसे मेरे फादर बहुत गुस्सा होते हैं, ही गेट्स एंग्री, ही गेट्स इन्फ्यूरिएटेड इवन समटाइम्स, सो आई डू नॉट डेयर टू आर्ग्यू विद हिम एट ऑल, आई डू नॉट डेयर, आई कैन, ताकत तो है मेरे पास, हिम्मत नहीं है। तो हिम्मत कहां से जुटाएं? तो व्हेन यू टेल पीपल आई डू नॉट डेयर टू आर्ग्यू विद माय फादर, सो नाउ यू नीड टू चेक इट आउट दैट आपकी किस किस काम को करने की हिम्मत है। सो आई डेयर टू डू, और उसके बाद डेयर के बाद टू के बाद वो एक्शन लगा दिए, जो भी काम करने की आपकी हिम्मत है।